हेलो 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 दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ सिंपल मैथ्स विद बिस्वा। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए सॉरी, बट बेसिकली इंटरनेट चला गया था। ये स्ट्रीमर मैं बन गया हूँ तो ये मेरा लाइफ में नया प्रॉब्लम है कि इंटरनेट जस्ट पूरा दिन चलता है, जस्ट स्ट्रीम से 2 सेकंड पहले चला जाता है। सो इट्स पॉसिबल दैट स्ट्रीम के बीच में भी एक बार जाएगा तो तुम लोग आधा बिटकॉइन समझोगे, मतलब पूरा नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा तुम्हारे समझ में कमी रह जाएगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो आज हम समझने वाले हैं, वो समझने के लिए जो 2 लोग आए हैं उनको बिटकॉइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम दोनों को पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं, स्क्रीन पे ले आते हैं, फिर थोड़ा बातें करते हैं उनके साथ। आप ये लोग को तो जानते ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई मेंटोर इन चेस एंड अ वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लीज वेलकम सागर शाह। एंड बिकॉज वी डोंट हैव 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ स्क्रीन, सो प्लीज वेलकम विदित गुजराती एज वेल, बिकॉज वी हैव ओनली 1 टेम्पलेट वेयर 3 पीपल कैन फिट। मुझे लगा यू आर गोइंग टू से बिकॉज वी डोंट हैव अनदर ग्रैंड मास्टर, सो लेट मी ब्रिंग विदित। विदित को कुछ बोला नहीं, मेंटर वगैरह मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट ही बोल दिया डायरेक्ट। मुझे पूरा लगा, सॉरी, आई वुड गिव इंट्रोडक्शन, आई वुड गिव इंट्रोडक्शन फॉर विदित। विदित इज प्रीवियसली इंडियाज नंबर 2 चेस प्लेयर एंड नाउ इंडियाज नंबर 3 चेस प्लेयर। सिंपल मैथ्स दोस्तों। ओके, सो विदित इज हियर, ऑब्वियसली ही इज, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, विदित इज इंडियाज कैप्टन ऑल्सो इन चेस टीम गेम्स एंड इज वेरी बिजी एंड ही हैज टेकन आउट, उसका टूर भी चल रहा है अभी। विदित, योर टूर इज इन 4, 5, 6, 7, नो? या 4, 5, 6, 7, मतलब क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल, फाइनल, या या। सो विदित का टूर भी चल रहा है, बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस स्ट्रीम। और सागर भाई तो फ्री रहते हैं। बिस्वा एवरी स्टेटमेंट एक आदमी का तो बुरा ही कर ही रहा है। अच्छा, एक का बिस्वा, ऐसा थोड़ा कोई स्टेटमेंट बोलो जिससे दोनों को अच्छा लगेगा। तो सागर भाई आप भी अपने बिजी शेड्यूल, एक्चुअली सागर इज अ बिजियर स्ट्रीमर देन विदित। विदित इज मोर लाइक प्लेइंग चेस एंड स्टफ। सागर भाई दिन में 25 घंटा स्ट्रीम कर लेता है समहाउ। ही ऑन हिज बर्थडे ही डिड 6 स्ट्रीम्स, मतलब क्या है। You know, I have to give a small flashback to people. 3 months ago या 2 months ago, I met Biswa and I said मैं Bitcoin ले रहा है, और Biswa ने मेरे को इतना discourage किया Bitcoin लेने से कि मैंने फिर छोड़ ही दिया hope. और अभी वो बोल रहा है let's understand Bitcoin. ट्रू, बिकॉज सागर भाई ने मेरे को जो बोला उससे मैं बोला कि भाई आपको शायद नहीं खरीदना चाहिए। सागर भाई ने मेरे को बोला कि मैं 1 बिटकॉइन लूंगा और उसको लगता है कि यू कांट इन्वेस्ट लेस देन 1, इफ यू हैव मनी लेस देन 1 बिटकॉइन वर्थ देन यू कांट इन्वेस्ट। सो बोला मैं 1 बिटकॉइन लूंगा, उसको रखूंगा, जैसे उसका लकी सिक्का रखते ना। वही अभी वही सोच रहा था, ये तो बिटकॉइन का रेट कितना, $50,000 हो गया ना अभी, या 30,000? हाँ, अभी घट गया, अभी कम हो गया, काफी घट गया। सो या, बट बेसिकली थैंक यू सो मच गाइज फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैं ऐसे ही तुम्हारा टैग खींच रहा हूँ। हाँ भाई, देखा सागर भाई के चेहरे पे एक्सप्रेशन, 35,94,000 को 1 बिटकॉइन। हाँ, तो देर आर 2 पार्ट्स टू बिटकॉइन। 1 इज द प्राइस ऑफ इट एंड द ट्रेडिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, 2 द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। ठीक है, तो मेरे को ट्रेडिंग वेडिंग का समझ नहीं आता है, ना ही मेरे को टेक्नोलॉजी का समझ आता है, बट मेरे को लगा कि टॉपिक ट्रेंडिंग है तो इसमें वीडियो बनाते हैं, पब्लिक देखेगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है एंड आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो एनीथिंग अबाउट ट्रेडिंग ऑफ बिटकॉइन। आई एम नॉट इन्वेस्टेड, आई एम नॉट प्लानिंग टू इन्वेस्ट ऑल्सो, बट यू गाइज इफ यू वॉन्ट यू इन्वेस्ट, आई डोंट नो, आई एम नॉट गिविंग एनी ओपिनियन ऑन दैट। आई विल जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द ग्रेट मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। ओके, आर यू गाइज इंटरेस्टेड? यस, एंथुजियाज्म से तो नहीं लग रहा है। यस बाय, पहली बार 2 गेस्ट बुलाए। नो, कैसा होता है स्कूल में भी जो मैथ्स होता है ना, लाइक यू कैन नेवर अप्लाई इट, इट आल्सो फील्स द सेम हियर। आई लर्न ऑल अबाउट बिटकॉइन बट आई कैन नेवर अप्लाई इट, आई एम नेवर गोना बाय बिटकॉइन। सो या
if you can make me understand the concept of Bitcoin, Biswa, मैं सच में I will be very grateful to you. मेरे को ऐसा दिमाग में ये घुस ही नहीं रहा है कि कोई तो एक अलग ही करेंसी है जिसको लोग ऐसे ही शुरू, कोई तो एक एनोनिमस आदमी ने कर दिया और अभी सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर, मतलब what is happening? Got it. Very nice. So I think I also had the same questions for a long, long time. I tried watching a lot of videos and tried to understand a little bit. So ऐसा मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था 7 दिन पहले. मैंने जितना रिसर्च किया उसी से मैं कुछ कुछ बताने वाला हूँ. ओके, अपने तन्मय भट्ट का वीडियो देख के नहीं ना रिसर्च किया. So तन्मय का वीडियो इज मोर अबाउट द यू नो इट डील्स विद द, सो देयर आर 3 पार्ट्स टू इट. वन इज द मनी एस्पेक्ट कि ट्रेडिंग कितना हो रहा है उसका. सेकेंड इज द लीगल एस्पेक्ट कि शुड बिटकॉइन बी लीगल और नॉट लीगल. द थर्ड इज द टेक्नोलॉजी. सो वी आर मोर गोइंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी कि हाउ इट वर्क्स, विच यू डोंट नीड टू नो इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन और ट्रेड इन बिटकॉइन और जो भी तुमको जो भी करना है इसके लिए जानने की जरूरत नहीं है. इट्स लाइक वेरी थियोरेटिकल स्टफ बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. सो नाउ या आई नीड टू पिन दिस वन. भाई स्ट्रीमर लोग का लाइफ ही अलग होता है. ऑल्सो चैट में क्या चल रहा है, आई विल जस्ट चेक द चैट क्योंकि मैं स्ट्रीमर बन चुका हूँ. टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम. वेरी वेरी हैसलिंग दिस इज एक्चुअली बिकॉज इतना सारा चीज हो जाता है. इंटरनेट चलाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पब्लिक चैट में कुछ लिख रहता है, उसका ध्यान देना पड़ता है क्या बोल रहा है पब्लिक. एक सेकंड में आ जाता हूँ. फर्स्ट स्ट्रीमर जिसको ऐसा सुपर चैट आता था, अरे शिट क्यों आ गया ये सुपर चैट, ये पढ़ना पड़ेगा. दोस्तों इफ यू आर स्टूडेंट सुपर चैट वगैरह मत भेजो प्लीज, तुम लोग रखो. उसका मैं बोल रहा हूँ सच में, इट्स मोर इम्पोर्टेंट इन योर हैंड्स. उसका समोसा खाओ, चाय पियो. सो यहाँ पे आई विल ट्राई एंड रीड मेन जो भी चैट में आ जाएगा आई विल ट्राई एंड रीड, बट तुम अपना पैसा बर्बाद मत करो यहाँ पे. यू आर स्टूडेंट्स, यू नीड इट मोर. ओके ग्रेट, ठीक है. ओके तो यहाँ पे चालू करेंगे. एक सेकंड, इसको कैसे पिन करते हैं. भाई मैं भी बूमर बन गया ना इधर आके, मेरे को सब आता था. ये जब दूसरों के स्ट्रीम पे जाता था मेरे को सब आता था. स्टैंडर्ड नेव्यू गैलरी और इसको करेंगे पिन. जयंत, अरे रिमूव पिन का है पिन. ठीक है ओके. सो कैन यू गाइस सी द वाइट स्क्रीन गाइस? यस या ओके. सो देयर आर टू पार्ट्स. 0.00028 बिटकॉइंस मिल सकता है 100 रुपीस में. वेरी नाइस. सो देयर आर टू पार्ट्स टू दिस. One is the crypto and the second is the currency. Okay, so currency पे हम बाद में आएंगे, पहले हम crypto का बात करेंगे. So what comes to mind when you guys think of crypto? Vidit, Sagar, anything that comes to mind you can tell me. Something which is encrypted, जो रहता है उस, that's the first connection I make. Yeah, that is correct. Sagar भाई? हाँ मतलब ऐसा somehow, मतलब you can't read it, वो पता है वो वर्ल्ड वॉर में ऐसा सब कोडिंग वगैरह लिख के फिर उसको डिक्रिप्ट करते थे. सो व्हाट इज एक्चुअली दिस, हां जो है वो एक्चुअली दिखता नहीं है, यू हैव टू काइंड ऑफ डिक्रिप्ट इट. ऐसा करेक्ट. सो यू आर राइट. द पर्पस ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज टू बेसिकली कुछ कोड बना दो ऐसा कि वो अनलेस यू नो द की वो पढ़ नहीं जा सकता है. राइट. सो इफ आई से इट इज बिस्वा, बट मैं एक कुछ रैंडम एल्गोरिथम चला रहा हूँ जिससे ये हो जा रहा है आई सो नाउ ओनली इफ यू नो हाउ टू रीड दिस दिस पार्ट देन यू कैन रीच योर राइट. तो तुमको एल्गोरिथम पता रहना चाहिए. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ क्रिप्टोग्राफी. इसकी तुम एक नॉर्मल सा चीज लो, कुछ भी है, सिंपल चीज, उस पर कुछ ऑपरेशन तुम करो जिससे वो सिंपल चीज बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है. ओके, सो इट्स इन ए वे वन वे ट्रैफिक. ओके, कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स करना बहुत आसान है बट कॉम्प्लेक्स से सिंपल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अनलेस यू नो हाउ टू डू इट. इट्स लाइक यू टेक अ रूक एंड गेम एंड देन सागर भाई टीचेस लूसीना इन दैट. या, बिकम्स कॉम्प्लेक्स. करेक्ट. सो इट इज लाइक दैट. सो सो टू टेक द एग्जांपल ऑफ रूक एंड गेम, इफ यू नो द वेरी सिंपल रूक एंड गेम. No, this example doesn't work. Sorry, guys. Okay.
Okay, this example doesn't work, but what I can say is, this is the whole point of cryptography, is to make it very difficult for somebody else to read it backwards. Okay. Right? Is Sagar bhai stuck? Yeah, mujhe bhi wahi laga. Unko Lucy na bahut hurt ho gaya. He just went. He'll be back. Yeah. Hello, दोस्तों क्या चला चैट में तब देख लेते हैं आज के इस नासिक का इंटरनेट इज बेटर देन मुंबई दैट्स व्हाट आई रियलाइज सो अंडरस्टैंडिंग आदमी सतोशी इज जापानीज ओके हां सागर भाई इज बैक हां सागर भाई क्या फ्रेम पे अटके थे पता है क्या तुम्हें मुझे लगा था कि आपका ही चला गया इंटरनेट नहीं 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 सो नाउ लेट्स टेक अनदर फंक्शन जो सेम चीज करता है बस उसको बाइनरी में करता है बाइनरी मतलब खाली जीरो और वन यूज करके ओके तो मान लो उसमें मैं लिखता हूं सागर ओके तो वो हो जाता है 100100001001 ऐसा करके कुछ कुछ हो जाता है ओके नाउ टू रीड दिस एंड कम अप विथ सागर बिकम्स डिफिकल्ट राइट सो दिस इज this is a form of cryptography that is used a lot in your password encryption. Because agar tumne Sagar dala, to usse ye nikal ke check karna bahut easy hai. Right? Lekin agar kisi ne ye pakad liya kahin se, usse Sagar nikalna bahut difficult hai. Matlab basically, right? 10 se S ke liye koi to combination hai, A ke liye kuch combination hai, G ke liye aise, right? हाँ इट इज लाइक दैट बट देर इज अनदर थिंग हियर सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा विदित तो वहाँ पे मान लो 100111 00 आ रहा है ओके लेकिन द मोमेंट आई मेक इट कुछ भी एक छोटा सा चेंज कर दिया ना इसमें विदित वन कर दिया तो ये पूरा ही बदल जाएगा मतलब 100010 00 सो एक छोटा सा चेंज यहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे हो जाएगा समझे सो द पैटर्न इज वेरी हार्ड टू ग्रास्प ये पैटर्न बनता है? कैसे एक सो देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स दे आर कॉल्ड सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम्स सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम्स ओके सो इट्स कॉल्ड SHA इन शॉर्ट There is an algo which is used a lot. It's called SHA-256. 256 क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हारा तुम उसमें कुछ भी इनपुट डालोगे ना तुम उसमें सागर डालोगे तो वो 256 0 या 1 निकालेगा ऐसे ओके मतलब 256 डिजिट्स निकालेगा That's why it's called SHA-256. This is what you must have read 64-bit encryption, 256-bit encryption. Yeah. So this is what it means. कि तुम उसमें कुछ भी डालोगे ना, तो 256 0 या 1 का combination निकालेगा. Okay. तो अभी तो सबको पता चल गया रहेगा ना कि ये कैसे work होता है SHA-256. Yeah, it has not been decrypted. So it is very hard to decrypt and obviously वो लोग उसके ऊपर layers भी लगाते हैं. लेकिन इफ यू नो दैट हाउ SHA-256 वर्क्स दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन कम बैक फ्रॉम हियर टू हियर ओके जो एनक्रिप्टेड है उसको तोड़ने के लिए इट्स नॉट एनफ टू नो हाउ SHA-256 वर्क्स ओके इट्स वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे कोड करता है कि ये सागर है तो फॉर सिंपल एग्जाम्पल उसको 1001 दिया है बट अगर मैं इसको स्वागर कर दूं ना एक W ऐड कर दूं तो ये पूरा ही चेंज हो जाएगा मतलब ये 1111100 हो जाएगा तो जस्ट बिकॉज यू फिगर आउट हाउ सागर वर्क्स डजंट मीन कि स्वागर में कोई वो होगा समझ रहे हो कि ये इतना ज्यादा एनक्रिप्ट मतलब इतना ज्यादा रैंडम लगता है ये कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है इनफैक्ट इसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इतना मुश्किल है कि अगर मतलब 4 बिलियन धरती पे 4 बिलियन लोग 4 बिलियन कंप्यूटर लेके बैठे हैं तो भी इसको तोड़ने के लिए 4 बिलियन साल लगेगा इतना ज्यादा डिफिकल्ट है आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली बिकॉज यू हैव टू गेस अ लॉट ऑफ पोजिशंस 256 पोजिशंस
मतलब 1001 कितना टाइप का हो सकता है, तुमको खाली गेस वर्क करते रहना पड़ेगा. सो दिस इज द होल फंडा ऑफ क्रिप्टोग्राफी कि इट्स वन वे ट्रैफिक. तुम्हारा पासवर्ड अगर पासवर्ड है तो तुमने अपने ब्राउजर पे डाला, उसने उसको SSH 256 चलाया और भेज दिया सर्वर पे, सर्वर पे गया 1001 सही है, उसने मैच किया 1001 के साथ, सही आ रहा है तुम्हारा, वेरी गुड. बट किसी को अगर ये पकड़ आ गया तो वो यहां तक नहीं पहुंच सकता है, समझे? तो वो जो ये रहता है ना व्हाट्सएप में आता है, योर मैसेजेस आर अनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड या सॉरी आर क्रिप्टेड, तो वो मतलब जो मैं सपोज विदित को भेज रहा हूँ तो वो ये 100 में क्रिप्ट करके फिर उधर जाके विदित को डिक्रिप्ट करके देते, तो बीच में कोई पकड़ लेगा तो उसको समझेगा नहीं. करेक्ट करेक्ट बराबर है ये लॉजिक? करेक्ट सही है, वही है. दैट्स व्हाई ऑल द डेटा ऑन योर इंटरनेट इज एनक्रिप्टेड, एंड ये एनक्रिप्शन से ही बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का चलता है, सब कुछ सिक्योरिटी का एनक्रिप्शन पे ही चलता है. यू आर अज्यूमिंग दैट उसको तोड़ने के लिए इतना कंप्यूटिंग पावर चाहिए, उतना दुनिया में है ही नहीं. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू रैंडमली कीप गेसिंग कि गेसिंग कोई व्हाट्सएप में तुम्हारा पकड़ लिया कि तुम 100 भेजा है, उसको पता नहीं तुमने क्या भेजा है. उसको बिलियंस ऑफ ईयर्स तक गेस करते रहना पड़ेगा टू फिगर आउट कि तुमने हाई भेजा है, अनलेस he has access to your key जो कि तुम्हारे कंप्यूटर में है, मतलब तुम्हारे और विदित के दोनों के पास है, जिसके लिए वो फटाक से डिक्रिप्ट हो जा रहा है, समझ रहे हो? बीच में कोई डेटा पकड़ लेगा तो नहीं कर पा रहा. सो दिस इज द होल फंडा ऑफ क्रिप्टो दैट इट इज अ वेरी मच वन वे ट्रैफिक. इट्स ईजी टू एनक्रिप्ट समथिंग बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू डिक्रिप्ट इट विदाउट हैविंग द की. ठीक है, जो की रहता है किस हिसाब से एनक्रिप्ट हो रहा है वो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो नहीं कर सकते. तो ये जो जिसने SHA बनाया रहेगा उसने तो कोई लॉजिक से किया रहेगा ना, उसको तो पता रहेगा ना कि कैसे होता है. करेक्ट, बट सो SHA मेरे को एग्जैक्टली इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, बट मेरे को जितना समझ आया कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका अपना प्राइवेट की रहता है, एक पब्लिक की रहता है, ये सारे चीज़ें मल्टीपल लेयर्स ऑफ एनक्रिप्शन में रहता है जिसके लिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो बेसिकली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट बट आई हैव टू अज्यूम दैट इट इज ट्रू दैट SSH 256 इवन इफ यू नो हाउ इट वर्क्स यू कांट डिक्रिप्ट इट विदाउट हैविंग समबडीज प्राइवेट की. प्राइवेट की मतलब आपका पासवर्ड बिना जाने कोई आपका जीमेल अकाउंट के अंदर नहीं घुस सकता है, समझे? वो पासवर्ड मान लो आपका प्राइवेट की है, समझे? So, मतलब इसके अंदर मेरे को और पता है, हैक कर देते हैं ना, हैकर्स हैक करते हैं गेस वर्क कर करके. अगर आप मतलब मोस्ट हैकर्स एज फार एज आई नो दे वर्क बाय सोशल इंजीनियरिंग, आपको लिंक भेज दिया कि इस पे क्लिक करके जीमेल पे साइन इन करो और आपने कर लिया तो उसको पासवर्ड मिल गया फेक लिंक से. बट हैकर एनक्रिप्शन तोड़ ही नहीं सकता मैथमेटिकली. ठीक है, तो ये हम समझ गए पहला चीज जो है क्रिप्टो क्या है. क्रिप्टो इज बेसिकली दिस होल आइडिया That once we encrypt something, यहाँ पे normal चीज़ है, once it becomes complicated, it is very difficult to reverse. Without, obviously यहाँ पे एक key लग रहा है, अगर key तुम्हारे पास है, key मान लो तुम्हारा password है, okay? तुम अपना password डालोगे तभी ये complex से normal पे आ सकते हैं हम लोग, otherwise it's very difficult to do. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिप्टो के बारे में. अब क्या होता है कि इसी एल्गोरिथम को यूज करके, बिकॉज ये इन ए वे कैसा, ये लॉकर जैसा है सिस्टम कि तुम कोई भी चीज डाल के उसको लॉक कर सकते हो, उसको एनक्रिप्ट कर दो. जैसे व्हाट्सएप में आपका सारा कन्वर्सेशन लॉक हो जा रहा है ना, उसको तुम एनक्रिप्ट कर दो तो वो सेफ हो जाता है. सो दिस इज एन आइडिया दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर मनी ट्रांजेक्शंस. ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिर यहाँ पे आते हैं. आपके बैंक में क्या होता है कि आप बैंक को पैसा देते हो, मैं बैंक से पैसा लेता हूँ, बैंक सारा लेजर्स रखता है ऐसा. ठीक है, इसने इसको दिया, उसने इसको दिया, ऐसा करके लेजर्स रखता है, एंड वी ट्रस्ट द बैंक कि वो सही लेजर रख रहा है.
दैट्स इट ना बेसिकली. बट मान लो ऐसा हो सकता था कि हम बैंक को सीन से ही हटा दें कि हम लोग अपना चेस कॉइन चालू करते हैं, ठीक है दोस्त. में सागर है, समय विदित है और चेस कॉइन में भी मैं फर्स्ट नहीं है. थर्ड रखा उसने बराबर तेरे का. और इधर वही होगा वही साइड में वही बोल लुकिंग क्यूट करेक्ट. तो हम लोग अपना डिसाइड करते हैं कि ये अपना चेस कॉइन है, हम एक दूसरे को पैसा वैसा नहीं देंगे, हम खाली हिसाब रखेंगे, ठीक है बाद में सेटल करेंगे एक साल बाद. मतलब क्या? तो हम बस क्या करेंगे? ऐसा नहीं जैसा स्प्लिट वाइज यूज किया गया. हाँ यूज किया मान ले. हाँ करेक्ट. सो वैसा कि हम बाद में सेटल करेंगे अपना एक साल बाद. ओके ठीक है. तो हम लिख देंगे कि हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उसमें लिख दिया कि सागर ने समय को 100 रुपया दिया, फिर बाद में समय ने बिस्वा को 50 रुपया दिया, फिर बिस्वा ने विदित को 20 रुपया दिया, फिर सागर ने विदित को 20 रुपया दिया, फिर विदित ने समय को 200 रुपया दिया. ठीक है. तो ये सिस्टम अपना चल रहा है व्हाट्सएप पे और आखिर में हम लोग हिसाब कर लेंगे. ठीक है. इन दिस सिस्टम वी डोंट नीड अ बैंक. नहीं राइट. वी डोंट नीड. हम लोग ये हिसाब किताब कर सकते हैं अपने हिसाब से और ये चार लोगों में चल भी सकता है बिकॉज हमको एक दूसरे पर भरोसा है. ठीक है कि ठीक है कोई इधर उधर नहीं करेगा. अब इसी सिस्टम को हम लोग एक बहुत बड़ा स्केल पे इमेजिन करना पड़ेगा जहां पे पब्लिक फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है. ओके. सो इफ वी कैन टेक दिस सिस्टम एंड इंक्लूड ट्रस्ट इन इट देन यू कैन रिमूव द नीड ऑफ अ बैंक. ओके. समझ रहे हो हमको बैंक क्यों चाहिए? क्योंकि हम स्ट्रेंजर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उनको भरोसा नहीं है वो सही करेगा नहीं करेगा, बाद में देगा नहीं देगा, ये सारा चीज आ जाता है. बट इफ यू टेक आर ये छोटा सा सिस्टम और इसमें हम कोई ऐसा मस्त चीज इंक्लूड कर दे जिससे ट्रस्ट आ जाए तो हमको बाकी किसी चीज का जरूरत नहीं है. चेस कॉइन इज वैलिड. बैंक कैसे ट्रस्ट लाता है अपने पर लाइक लोगों में? बैंक इज जस्ट आई थिंक विथ टाइम दैट इट्स प्रूवन दैट बैंक्स हैव मतलब दे आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, दे हैव एवरीबडीज आईडी कार्ड एंड दे टाइम एंड अगेन दे प्रूव दैट दे कैन डू इट. दैट्स इट. ऐसा कुछ अमेजिंग टेक्नोलॉजी नहीं है उनका. मतलब टेक्नोलॉजी वाइज ऑफकोर्स दे यूज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी बट एट अ बेसिक लेवल इज जस्ट ह्यूमन ट्रस्ट की इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ा है, इट्स कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और इट इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट. सो वो ट्रस्ट है हमको बैंक पे. ठीक है. अब ये सिस्टम में यही है बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का आइडिया जो चेस कॉइन का मैंने अभी बताया ना, पांच लोग अपना कॉइन चला रहे हैं. ठीक है. डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कैसा होता है? जैसा टॉरेंट जो पहले होता था अभी इलीगल हो गया, यूज मत करो दोस्तों. तो थिंक अबाउट कैसा नेटफ्लिक्स पे हम कोई मूवी देखते हैं तो नेटफ्लिक्स के सर्वर से आता है पर टॉरेंट पे कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वो ऐसे चार लोगों से फाइल जुगाड़ के ले आता है. राइट. सो टॉरेंट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम. सो द आइडिया इज हियर हाउ टू मेक दिस चेस कॉइन स्केलेबल एंड डिसेंट्रलाइज सो वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन ए बैंक. तो ये आइडिया काफी दिनों से मतलब लोगों के दिमाग में चल रहा था कैसे करे कोई तोड़ नहीं पा रहा था. देन एक बंदा है सतोशी नाकामोटो, नोबडी नोज हु इज, उसने एक जीनियस सिस्टम बनाया. ओके. बहुत जीनियस सिस्टम, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा लेकिन इतना जीनियस सिस्टम है. उसने बोला कि ये जो ट्रांजैक्शन है इस पे सागर ने विदित को दिया है, विदित ने बिस्वा को दिया है, इसको ना एक कंप्यूटर पे मत रखो, सेंट्रलाइज मत करो, इसको सागर विदित वैभव बिस्वा समय सबके कंप्यूटर में इसका कॉपी रखो. ओके. सबके कंप्यूटर में रखो तो कोई चीट नहीं कर सकता, ये कॉपी मैच करते रहना चाहिए. लेकिन अगर समझो मेरे को विदित को देना है छुपके से तो आपको पता चल जाएगा तो कैसा चलेगा?
मैंने उसको क्योंकि पैसा दिया है बिस्वा को जाके मारने के लिए, और आपको पता चल गया तो मेरा प्रॉब्लम हो गया ना। तो थिंग इज यहाँ पे तुम्हारा नाम एनक्रिप्टेड रहेगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा तुम एक्चुअली में कौन हो। कोई पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है, ओके, बिकॉज यू आर डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स नाउ। सो वो एक अलग इशू है कि वो कैसे पता चलेगा, वहाँ पे हम बाद में आएंगे। लेकिन अगर हम में से कोई भी चाहे कि हम इस चीज़ को टैम्पर कर दें, ठीक है, कि मैं इधर विदित चाह रहा है कि वो ऐड कर दे कि उसने मेरे को पैसा दिया है लेकिन उसने एक्चुअली नहीं दिया है, तो हम तीनों उसको पकड़ लेंगे कि तूने तूने ये गलत ऐड किया है इधर, ठीक है। अगर इधर सागर भाई कुछ कर रहा है कि सागर भाई ऐसा खुद को 50 रुपया दे दिया कहीं से, ओके, क्योंकि वो चाहता है कि पैसा बना लूँ, तो ये दोनों बोलेंगे भाई तूने यहाँ पे गलती हुआ है, ओके। यही आइडिया है पूरे सिस्टम का। लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला कि जैसा बैंक स्टैंप लगाता है ना हर चीज़ पे कि वेरीफाई करता है ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, हम वैसा इसको क्रिप्टोग्राफी यूज़ करके स्टैम्प करेंगे, ओके। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हैश डालेंगे इस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, सॉर्ट ऑफ। फिर अगला जो ट्रांजैक्शन होगा उसको इससे जोड़ेंगे। अब सागर ने विजय को और पैसा दिया, हम उसको इससे जोड़ेंगे, इस पे हैश डालेंगे और फिर इससे हैश लेंगे, अगला ट्रांजैक्शन पे ये करेंगे। इस हैश लेंगे स्टाइल से मतलब हम क्या? बताता हूँ, हैश मतलब, सो बेसिकली वो क्या किया, उसने सारे ट्रांजैक्शंस को एक तरीके से जोड़ा है, उससे अमेजिंग तरीका। उसने क्या बोला कि वही SHA-256 पे हम लोग वापस आते हैं। इसमें क्या होता है कि तुमने एक नंबर डाला 100 और ऐसा कुछ रैंडम सा आया उसमें 100210010001, ओके। अब वो बोलता है सतोशी नाकामोटो, क्या बोलता है कि तुम एक स्पेशल नंबर ढूंढो बैठ के, इस चीज को स्टैम्प करने के लिए तुमको एक स्पेशल नंबर चाहिए। वो स्पेशल नंबर कैसा होगा कि जो आउटपुट आ रहा है ना उसमें पहला 30 डिजिट 0 होना चाहिए, ओके, तभी वो स्पेशल नंबर बनेगा, ठीक है। तो जिसको भी इसको स्टैम्प करना है ना उसको अपने कंप्यूटर पे बैठ के ढूंढते रहना पड़ेगा, मतलब उसका कंप्यूटर उसको ढूंढते रहेगा कि कौन सा नंबर का आउटपुट में 30 जीरो आ रहा है, बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ गेसिंग ना। यू हैव टू ट्राई 100, 101, 102, 103, यू हैव टू कीप ट्राइंग। विदित थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, को समझा नहीं। हाँ नहीं, दोनों कंफ्यूज हाँ हो गए। बताता हूँ, समझ गया, एक सेकेंड। इसको पीछे मतलब इससे पहले जो बोला था वो भूल जाओ, खाली इसको इस नज़र से देखो सब कुछ ऐसे, हाँ भूल जाओ अभी के लिए, बिकॉज इफ यू ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग इमिडिएटली डोंट हैपन, इट्स अ वेरी जीनियस प्रोग्राम। सो खाली ऐसे जो 256 का बात चल रहा है, ओके, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, ओके। हम 100 डाल रहे हैं, रैंडम 1111 आ रहे हैं, हम 101 डाल रहे हैं, 0001 आ रहा है, हम 102 डाल रहे हैं, 101 ऐसा कुछ आ रहा है। सातोशी नाकामोटो क्या बोलता है, बोलता है कि तुम ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 0000 आए, अच्छा, इनपुट ऐसा ढूंढो जिसका आउटपुट ऐसा है, ऐसे बोल रहे हो क्या? करेक्ट। हाँ वो बोलता है कि इनपुट ऐसा ढूंढो जिसमें इधर 4 जीरो आए, तो यू हैव ना, तुम क्या करोगे, तुम बैठ के तुम्हारा कंप्यूटर ढूंढते रहेगा 103, 104, 105, हाँ 106, रैंडम। ये चलते रहेगा। जब तुमको मिलेगा, तुमको मान लो ऐसा आके मिला कि भाई 213 पे ना 4 जीरो आ रहा है, तो तुम इस 213 को एक स्टैम्प की तरह यूज कर सकते हो, व्हाट स्टैम्प मतलब लाइक जो प्रीवियस ऑथेंटिकेट लेजर है कर सकते हमारा, हैं? जैसा हम इसने सागर ने विदित को दिया है, विदित ने विश्व को दिया है, अब हम इस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए नीचे लिख देंगे 213।
ये करेगा वो सब जो क्रिप्टो माइनर्स या कोई रहता है वही लोग। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हाँ ये वही तो, 213 हूँ कौन लिखेगा, वही तो। हाँ सो दूसरे कौन लिखे उस पे आ रहा हूँ। बट पहले खाली ये समझ लो कि यहाँ पे कैसा होगा। सागर ने विदित को दिया 213 हो गया। ओके अगला ट्रांजैक्शन जो भी है उसके शुरू में रहे, मतलब ऊपर ऐसे लिख देते 213 कि ये 213 के बाद हो रहा है ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन का आईडी है 213। फिर तुम्हारा कंप्यूटर बैठ के ढूंढा 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 बहुत सारा ढूंढा। विदित ने विश्व को पैसा दिया अभी, उसको ऑथेंटिकेट के लिए उसको मिला 546। ये कंप्यूटर ढूंढता है क्या ये नंबर? हाँ कंप्यूटर ढूंढता है। वो कुछ सॉफ्टवेयर से यू फाइंड इट। हाँ करेक्ट। तो सॉफ्टवेयर बस यही है कि इनपुट डालते जाओ 101 102 103 104 105 और फिर तुमको 213 मिला तो तुमने डाला इसमें। तो मतलब हर फिर अब ट्रांजैक्शन के लिए अलग आईडी बनता है क्या? हर हर ट्रांजैक्शन के ट्रांजैक्शन लिए अलग नंबर आता है, हाँ अलग अब हैश ये जो की। करेक्ट। यहाँ पे 546 हमने डाल दिया। ओके फिर 546 से इसके बाद क्या हुआ। 546 के बाद कि समय ने विदित को पैसा दिया। ओके समय विदित को बहुत पैसा दे रहा है बट ठीक है। फिर हमने इधर 932 डाल दिया। तो ये सारे जो है ना ये सारे ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे से लिंक्ड हो गए। अब कोई भी किस में टैम्पर करना चाहेगा तो बहुत डिफिकल्ट है क्या कि ये इससे लिंक्ड है वो इससे लिंक्ड है। सॉरी अब ये इससे लिंक्ड है ये इससे लिंक्ड है समझ रहे हो। हाँ, अगर किसी को टेम्पर करना है तो हाउ व्हाट हिल टेम्पर, इवन नाउ दिस सो इज सिक्योर्ड इट, तो अगर सिक्योर नहीं होता तो करेक्ट। टेम्पर कैसे करता? तो यहां पे मान लो उसने बना दिया कि 212 ओके और अपना कुछ ट्रांजैक्शन डाल दिया इसके अंदर 212 546 फिर यहां पे कनेक्ट कर दिया 546 करके बट दैट डजंट समझा। वर्क। सबके इट डजेंट कंप्यूटर पे वर्क तो नहीं 212 चेंज इज होगा ना, नॉट। लेकिन हाँ सबके कंप्यूटर पे तो वो चेंज नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। तो और जो जैसे तुम्हारे कंप्यूटर पे कि दो बट अलग एक अलग सॉरी तुम्हारे कंप्यूटर पे दो अलग अलग चीज आएगा तो तुम्हारा कंप्यूटर चेक करेगा 213 जो है उसमें 4 0 आ रहा है करेक्ट है 212 पे नहीं आ रहा है तो गलत है ये किसी ने फ्रॉड किया है। सो माय क्वेश्चन इज कि एवरी या कंप्यूटर पे वो जो कॉपी बन रहा है दैट वॉज ऑलरेडी हाँ मेड फॉर सिक्योरिटी पर्पज ना, तो ये जो अभी हैश की है दैट इज फॉर क्या, डबल सिक्योरिटी? सो सबके कंप्यूटर जो कॉपी बन रहा है ना उसमें कोई भी अपना कॉपी को चेंज कर सकता है ना। सो दिस इज टू मेक श्योर दैट एवरी व्हिच इज द मोस्ट रिलायबल कॉपी। द मोस्ट रिलायबल कॉपी इज द वन दैट हैज द परफेक्ट ब्लॉक चेन्स। इधर 213 मान लो हमारा है इधर 213 है इधर 546 है ये करेक्ट है हमको पता चल रहा है क्या कि 213 में 4 0 आ रहा है 546 में 4 0 आ रहा है हमको पता है कि करेक्ट बन रहा है। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस वंस अगेन फॉर क्लैरिटी। आई नो यू गाइस हैव अंडरस्टूड बट अगेन रिपीट करना पड़ेगा सिर्फ एक कि क्वेश्चन है, हाँ ये जो 30 जीरोस जो है वो तो सब लोग को गिवन लेके चलना पड़ेगा ना, ये यूज करना है 30 जीरोस लाना है वो। करेक्ट करेक्ट। सो अभी होता क्या है मैं एक और बार बताता हूँ ये ना एंड में क्लियर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है बट वंस यू अंडरस्टैंड इट्स इन रेट्रोस्पेक्ट वेरी क्लियर। तो एक और बार करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन हुआ ओके यहाँ पे ये जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं इसको। ये शुरू में कुछ भी है दिस डज नॉट मैटर दिस मीन्स दैट इससे पहले कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है हमारे सिस्टम में चेस कॉइन में। पहला चेस कॉइन समय ने विदित को दिया। ओके अब वैभव एक आदमी है जिसका काम है वो कंप्यूटर पर बैठा हुआ है अपना उसका काम है कि एक ऐसा नंबर ढूंढे जिससे ट्रांजैक्शन सील हो जाए मतलब स्टैंप लग जाए इस पे कि ये करेक्ट ट्रांजैक्शन है। अपने नेटवर्क में ये है वैभव बट एज ये यू ट्रांजैक्शन सेड, के लिए। बट यू सेड दैट सेंट्रलाइज्ड कोई नहीं होता है, सो हाँ वैभव सेंट्रलाइज कांट कोई बी नहीं द है पर्सन वैभव ना। वी कैन ऑल्सो डू इट एनीबडी कैन डू इट एनीबडी कैन डू इट एज लॉन्ग एज वो अपने कंप्यूटर पावर से कर रहे हैं वो कर सकते हैं कोई भी कर सकते हैं। मैं खाली वैभव का एग्जाम्पल दे रहा हूँ फॉर मोर प्रैक्टिकल पर्पज। तो ये चाहे तो समय भी कर सकता है चाहे तो कोई और भी अपने नेटवर्क में कर सकता है। तो वैभव बोलता है 213
ये करेक्ट ट्रांजैक्शन। फिर ये ट्रांजैक्शन का कॉपी सबके पास चला गया। अगले बार फिर 200, हमको पता है कि 213 वाला ट्रांजैक्शन हो चुका है, राइट? समय ने विदित को दे दिया, वो करेक्ट ट्रांजैक्शन है। अभी विदित ने सागर को दिया, अब मान लो वैभव या फिर समय जो भी एक और नंबर ढूंढता है 546, ठीक है, वो उसको बोलता है अभी ऑथेंटिकेट हो गया, अब आगे बढ़ो। अब 546 वाला ब्लॉक आगे गया, मतलब ये जो लेजर है वो आगे गया 546, इसमें सागर ने समय को दिया, तो फिर वैभव एक और नंबर ढूंढता है, या फिर कोई भी, यहाँ पे बिस्वा बैठा हुआ है, बिस्वा एक नंबर ढूंढता है कि 973, ओके, और ये ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट हो गया। अब क्योंकि वैभव, बिस्वा और समय ने ये काम किया ऑथेंटिकेट करने का, हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटा सा रिवॉर्ड देते हैं कि भाई एक रुपया तू ले, तूने ऑथेंटिकेट किया, एक रुपया तू ले, ओके। तो क्या होता है, इधर ऐड हो जाता है, जैसे ही वैभव ने इधर ऑथेंटिकेट किया ना, ये पहला वाला वैभव ने ऑथेंटिकेट किया, तो इधर ऐसा होता है वैभव को एक रुपया, ओके ओके। इधर समय ने ऑथेंटिकेट किया तो समय को एक रुपया, क्योंकि वो अपना कंप्यूटर दे रहा है हमको ऑथेंटिकेट करने के लिए। अगर कोई ऑथेंटिकेट नहीं करेगा तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है क्या? नहीं होगा, somebody has to authenticate, somebody has to use their computing power to not authenticate is the wrong word but basically seal it, हाँ, approve ये हुआ है, तो हो ट्रांजैक्शन हो गया रहता है, उसके बाद वो approve थोड़ा टाइम बाद approve करता है। Let's say I have to give you money, I just can't give you like that unless somebody approves. Correct. No, I think you can give it and then later on it is approved. अगर नहीं हुआ तो, मतलब the thing is कि इसमें the main advantage which I had at somewhere is that immediately पैसा आ जाता है। तो ये अगर समझो approval के लिए बैठा रहेंगे तो काफी time जाएगा ना। approval को बताता हूँ, वो थोड़ा सा वो मतलब वो बहुत ज्यादा complicated में चला जाएगा। पहले हम फंडा समझ लेते हैं, फिर देख लेंगे कि ऊपर ऊपर से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बिस्वा ने ऑथेंटिकेट किया तो बिस्वा को एक रुपया मिलता है। दिस वन रुपी इज माई बिटकॉइन, दिस इज हाउ बिटकॉइन इज जनरेटेड इन द सिस्टम, समझे क्या? मतलब जो पैसा एक्चुअल ट्रांसफर किया था वो क्या था फिर? वो चेस कॉइन, वो भी बिटकॉइन ही है, हाँ, वो सॉरी चेस कॉइन ही है, सॉरी, मेरे को एक जो रुपया मिला ना, दैट इज, सो सॉरी मैंने ये गलत बोला, हाँ, चेस कॉइन मिला ना मेरे को, एक चेस कॉइन मिला, मैं आ गया, हाँ, सॉरी चेस कॉइन, इसमें बिटकॉइन नहीं मिला। आप भी समय भी वैभव को चेस कॉइन ही दे रहा है, मतलब सागर विदित को चेस कॉइन दे रहा है इधर, लेकिन क्योंकि वैभव ऑथेंटिकेट कर रहा है, वैभव को एक चेस कॉइन फ्री का मिल रहा है। सो ये 1 रुपी जो मिल रहा है वैभव को, मैं अगर 100 रुपए भेज रहा हूँ तो वैभव विदित को 99 मिलेगा और वैभव को 1 मिलेगा, या कैसे होगा? नो, अगर आप 100 रुपए भेज रहे हो तो विदित के पास 100 रुपए जाएगा, सिस्टम में एक और रुपया जनरेट होगा जो वैभव के पास जाएगा। अरे तो ऐसे ही जनरेट हो गया, मतलब कुछ तो किधर से, तो ये अनबैक्ड हो गया ना वो एक रुपया। सो वेरी करेक्ट, विदित थोड़ा सा भी समझा नहीं है, मैं उसके लिए दोबारा समझाऊंगा। नहीं नहीं समझा मुझे, वैलिड क्वेश्चन सागर भाई का, तो करेक्ट, तो मैं आता हूँ, कैसे आ गया, तो मैं आता हूँ उधर। अब क्या है कि ये जो है ना वैभव ने, वैभव को जो ये ऑथेंटिकेट करके, मतलब जो नंबर निकाल के एक चेस कॉइन मिला, दैट इज कॉल्ड चेस कॉइन माइनिंग, ओके, क्योंकि उसने अपना कंप्यूटर का पावर यूज करके एक बिट, हम बोलेंगे कि चेस कॉइन उसने माइन किया, वैसा खादान से निकल गया, फ्री का नहीं मिला उसको। तो पहले कैसा होता था कि फॉर, जब बिटकॉइन शुरू हुआ था, देन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन यू यूज टू गेट, एक सेकंड, 50 बिटकॉइंस फॉर एवरी, नॉट ट्रांजैक्शन, एक ऑल्सो एक जो ब्लॉक होता है ना, एक लेजर जिसको ऑथेंटिकेट करना रहता है, SSVVDDS ऐसा जो रहता है, उसमें 2400 ट्रांजेक्शन होते हैं एक में, ओके, एक ब्लॉक में, ओके, ठीक है, 2400 ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो अब एक 2400 के ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, ब्लॉक यानी क्या, बैच होते हैं क्या सारे ट्रांजेक्शन इन वन, दैट्स अ ब्लॉक, सो
हाँ इधर 2400 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, हम 213 ही लेते हैं। अब अगले में फिर से ये 213 से लिंक्ड है, यहाँ फिर 2400 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे 546 हो गया, इस टाइप का। तो पहले क्या होता ना, पहले पहले 4 साल में जो भी बिटकॉइन जनरेट करता था, मतलब जो भी ऑथेंटिकेशन काम करता था, उसको 50 बिटकॉइन मिलते थे। अरे फिर 4 साल बाद वो आधा हो गया, 25 बिटकॉइन। फिर 4 साल बाद वो 12.5 बिटकॉइन हो गया, क्योंकि फिर लोग फाइव बढ़ गए जो बिटकॉइन ऑथेंटिकेट कर रहे, तो उसका वैल्यू गिर गया। या काइंड ऑफ। सो ये 2.5 हो गया अभी आई थिंक। इस तरह होते होते इन द होल वर्ल्ड देयर कैन ओनली बी 21 मिलियन बिटकॉइन्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो घटते घटते जा रहा है। द रिवॉर्ड इज डिक्रीजिंग 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 सो देर कैन बी ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन्स इन द बिटकॉइन्स। एंटायर। ओके, या सो दैट्स इट। इसके आगे कभी तो कोई बिटकॉइन नहीं बन सकता है। मतलब ओ अच्छा, सो जो ओ मतलब जब स्टार्ट हुआ था तब जो लोग ऐसा माइन कर रहे थे ये चीज को या ऑथेंटिकेट कर रहे थे, उधर से बिटकॉइन जनरेट हुआ, फिर वो ट्रेड करने लगे। सो वो जो लोग जो ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे थे वो लोग नहीं जनरेट किया बिटकॉइन को। या बिटकॉइन इज बेसिकली एक रिकॉर्ड कि तुम्हारे पास बिटकॉइन है, दैट्स ऑल बिटकॉइन इज। जैसा आपको बैंक से मैसेज आता है कि 25,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, तो 25,000 का कैश का वो तो नहीं आता ना आपके अकाउंट में, खाली बैंक के अकाउंट में चढ़ जाता है कि आपके अकाउंट में ये आया, और आपके पास SMS आता है, ये SMS इज योर प्रूफ लाइक दैट। उनको ऐसे आया कि तुम्हारे अकाउंट में 80-50 बिटकॉइन आ गया, दैट्स इट। और वो लेजर में ऐड हो गया। वो जो 2400 का ब्लॉक है ना, जो ये 2400 ट्रांजेक्शन का ब्लॉक है, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि सागर भाई को मिला 50 बिटकॉइन, पर ये नाउ यू कैन ट्वेंटी स्पेंड वन दैट बिटकॉइन। मिलियन का क्यों लिमिट है? क्योंकि सपोज अपुन ने चेस कॉइन बनाया तो मैं तो बोल या सकता हूं ना, मेरे को आज आपको 22 मिलियन चेस कॉइन देना है। मतलब आई एम द वी आर द वंस हु आर डिसाइडिंग, राइट? सो व्हाई इज इट लिमिटेड? करेक्ट, बिकॉज इफ यू डोंट लिमिट देन उसका प्राइस कुछ भी हो जाएगा आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, मतलब या तो बहुत गिर जाएगा, क्योंकि इफ एनीबडी कैन कीप माइनिंग बिटकॉइन देन इट वॉन्ट रिमेन अ रेयर कमोडिटी, मतलब रेयर मतलब अब लिमिटेड कमोडिटी। क्योंकि आज अब बोलो चेस कॉइन आपके पास, आप बोलते हो कि ओके मेरे पास दो चेस कॉइन है, मैं तेरे को बेचना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा भाई मैं तेरे से क्यों खरीदूँ, मैं अपना चेस कॉइन बना लेता हूँ जाके, राइट? सो इट शुड नॉट बी दैट इजी, इट शुड ऑलवेज बिकम डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट सो दैट बिटकॉइन का वैल्यू रहे दुनिया में। सो अभी ऑन एवरेज हर 10 मिनट में एक बिटकॉइन निकलता है। और 2040 तक ऑल 21 मिलियन बिटकॉइन्स निकल के आ जाएंगे, अभी 18 मिलियन के आसपास निकल गए। तो इतना टाइम क्यों लगेगा? बिकॉज वही ना कि टू फाइंड दिस कंप्यूटिंग पावर बढ़ नंबर्स, गया तो इवन कंप्यूटिंग पावर अगर नेटवर्क में बढ़ गया तो माइनिंग का डिफिकल्टी बढ़ा जाता है। सो आई विल टेल यू हाउ दे डू इट, कि अगर अभी वो नंबर ढूंढ रहे कि पहला 4 डिजिट 0 होना चाहिए, लेकिन अगर 4-5 कंप्यूटर आ गया तो बोले पहला 6 डिजिट 0 होना चाहिए, और अगर ऐसा बहुत सारा कंप्यूटर आ गया तो बोला पहला 76 डिजिट मेरे को 0 चाहिए। तो सो दैट दिस 10 मिनट का थिंग ना इज रिटेन्ड, कि हर 10 मिनट में एक बिटकॉइन आना चाहिए, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, अच्छा, समझे? तो अगर जितना ज्यादा मेरे को कंप्यूटिंग माइनर पावर, बनना है तो कैसे बन सकता हूँ? लाइक इफ आई वांट टू ऑथेंटिकेट सच ट्रांजैक्शंस। आई थिंक आपको बिटकॉइन नेटवर्क ज्वाइन करना पड़ेगा एंड देन आपको अपना कंप्यूटर को बिठाना पड़ेगा, ठीक है? तो हाँ आपका एक छोटू सा कंप्यूटर है, सागर भाई कंप्यूटर, ठीक है? सागर भाई छोटू कंप्यूटर, और इधर कोई, मैं तो रेडी रख सकता हूँ, एक बिटकॉइन मिल गया था। और इधर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है? मान लो बहुत जबरदस्त कंप्यूटर है, ठीक है? ये किसी कंपनी के पास है, मान लो
IXX ऐसा कोई कंपनी का नाम रख देते हैं, ठीक है, वाई, आई डोंट वांट टू नेम ए रियल कंपनी. सो अब क्या होगा कि एक ट्रांजेक्शन आया मार्केट में, एक ट्रांजेक्शन आया, मतलब ऐसा 2400 ट्रांजेक्शन का ब्लॉक बन गया है. ओके, अब आपके पास आया, इसके पास आया, अब ये एक 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 सेकेंड में एक एक बिलियन नंबर ढूंढ ले रहा है, आपका कंप्यूटर 100 नंबर ढूंढ रहा है, ठीक है. तो आपके कंप्यूटर लगे 1500 साल और इसको लगे 15 मिनट. मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का था, सॉरी उनको भी. तो इस हाँ तो इसको मिल गया बिटकॉइन, आपको नहीं मिला. एक और ट्रांजेक्शन आता है 2400 का, ठीक है, तो आप बोले भाई इस बार पकड़ लेंगे, आपको लगे और 1500 साल, इसको लगे 15 मिनट. तो फिर तो ये तो क्या सब ओपन फॉर ऑल ले है ना, अभी तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही इसको करेंगे. हाँ, बट द थिंग इज माइनिंग बिटकॉइन इज नॉट द ओनली वे टू ओन इट. या नाउ ट्रेडिंग शुरू हो गया ना इसे. हाँ, तो अभी विदित के पास बिटकॉइन है, मतलब चेस कॉइन है, मान लो हम चेस कॉइन ही बोलते हैं, अभी चेस कॉइन है, तो वो बोलता है सागर भाई ले लो 10 रुपये में ले लो. सागर भाई बोलता है ठीक है मैं ले लेता हूँ, दैट्स इट. विदित ने एक एंट्री मार दिया कि विदित ने सागर को दे दिया 10 बिटकॉइन, अब आपके अकाउंट में 10 बिटकॉइन और लेजर में ऐड हो गया. चेस कॉइन या बिटकॉइन? चेस कॉइन सॉरी, सेम है दोस्तों. नहीं बट राइट, कंफ्यूज हो जाता. नहीं बिटकॉइन देख के 35 लाख आ जाता है माइंड में, चेस कॉइन का अभी तक वैल्यू नहीं आया माइंड में. सो दिस इज द थिंग, अभी आपको लग रहा है कि चेस कॉइन का कोई वैल्यू नहीं है. अब मान लो हमने स्टार्ट कर लिया और हमारे सारे सब्सक्राइबर को बोल दिया कि भाई हम चेस कॉइन एक्सेप्ट करेंगे. हाँ, ओके, तो थोड़ा सा वैल्यू आ जाएगा ना उसमें. करेक्ट, कि चेस कॉइन पे तुम सुपर चैट दे सकते हो, चेस कॉइन पे तुम ये कर सकते हो, चेस कॉइन पे तुम वो कर सकते हो, तो पब्लिक बोलेगा भाई चेस कॉइन चाहिए और हम रिलीज करेंगे 5 ही चेस कॉइन. तो फिजिकल एंटिटी है नहीं, देयर इज नो फिजिकल एंटिटी एवर, नेवर, इट कैन नॉट बी, नो, इट्स जस्ट लाइक ट्रेड एंड देन इट विल गेट. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, तेरे बैंक के साथ भी तेरा कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, तेरा बैंक तेरे को SMS भेजता है. एंड दैट्स इट, आई कैन विथड्रॉ द कैश फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट कंसीडर द कैश वाला पार्ट. And as we all know, cash is no guarantee for money. Okay, where people had cash and then in one day it became worthless, right? So, sorry, I welcome back to the question. Digit. Yeah, ek second, main clarify kar dun. First, you finish this, fir mere ko ek question. Yeah. So your bank sends you an SMS with a reference number, right, Vidit? Yeah. Aur uske account se 25,000 kam hota hai, tere account mein 25,000 badh jata hai. Hmm. Yeah. That's it. That is all there is. There is just ledger. The record of money is money itself. Right. So that is the principle of Bitcoin. That the record of a transaction of Bitcoin is Bitcoin itself. अगर वो system बोल रहा है कि विदित ने सागर को दिया है, इसका मतलब अभी सागर के पास है वो. Just like अगर तेरे bank ने बोल दिया कि विदित ने सागर को दिया है, दोनों को SMS भेज दिया with a reference number. That's it. So if like instead of bank, somebody else, some stranger authenticates it. Correct. Right? Haan, sorry. Yeah. Same transaction. Somebody else authenticates instead of a bank. Correct. And then whoever authenticates gets some part of it. No, not even some part. He generates one of his own. Yeah. So suppose ये अभी जो आपने बताया, let's say we understood some part of it. One second, sorry, I just finished with it. It's even if it's a stranger, the mathematics behind it is sound. He has to find a number that has 4 zeros. So it does not matter who he is, because this number, मान लो 746, he has to find. That is the guarantee that as long as 746 is there, this authentication is valid. So, इसके पीछे तो सब लोग पड़े रहेंगे ना अभी फुल, मतलब मैं ढूंढूंगा मैं ऐसे सब सुपर कंप्यूटर वगैरह, सो देन 2040 तक ही वो लोग कर पाएंगे, बाद में उनका सब खत्म. नहीं, बाद में क्या होगा, वो लोग ट्रांजैक्शन फी लेंगे, क्योंकि वो देयर इज लाइक, वो एक बहुत ही अलग दुनिया है जिसके अंदर मैं घुस नहीं पाया, वो मुझे मतलब उसके लिए समझने के लिए मेरे बहुत टाइम लगेगा.
बट हाँ सागर भाई, आपको सवाल पूछे तो पूछ दो, फिर एक और दो चीज बताऊंगा। हाँ, सो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर माइंड में मेरे को सब क्लियर करना है, तो लेट्स इमेजिन ये सतोशी नाकामोतो जो आदमी था, वो बैठ के उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला, ठीक है, कि देर विल बी बेसिकली पैसा लोग नहीं, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या निकाला, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि कैसे उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, करेक्ट? व्हाट वाज हिज कॉन्सेप्ट बेसिकली? सॉरी, मैं एक सेकंड के लिए भूल गया कि 2000 का सुपर चैट आ गया है। बिस्वा ओपी, आई एम ऑल्सो नॉट अ स्टूडेंट, ग्रेट। सॉरी सागर भाई, दोबारा पूछ लो और लोग भी क्या बोलो मैं देख लेता हूँ। नहीं, काफी सारे आए थे, बिस्वा, एक $50 का आया था, उसके पहले ओ भी आए थे, वो मिस हो ओके गया ओके, आई विल आपसे. रीड ऑल ऑफ देम, आई विल रीड ऑल ऑफ देम। नहीं, सॉरी सागर भाई, दोबारा बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आदमी था ये सतोशी नाकामोटो, उन्होंने किया क्या, मतलब बेसिकली व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, ही उन केम व्हाई अप विद इज दिस होल ही सिस्टम, ऑफ ही व्हाट केम अप व्हाट विद इज दिस होल सिस्टम। ऑफ व्हाट डज दैट सिस्टम कंप्राइज ऑफ? सो ही केम अप विद दिस होल प्रोटोकॉल कॉल्ड ब्लॉक चेन। हाँ, ओके, उन्होंने उससे पहले इतनी सारी चीजें थी जिसको उसने इस तरह से जोड़ा कि ये सब पॉसिबल हो पाए। ब्लॉक चेन अभी हम जो बात कर रहे थे ना, इस टाइप का, 2400 और 213, फिर करेक्ट, वो हैश की वगैरह. 213, 546, 728, जो भी है, मतलब ये तो 546 रहेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, उन्होंने इस तरह इसको इसको जोड़ा, तो उन्होंने एक पेपर निकाला, करेक्ट, इसके ऊपर. तो करेक्ट। वो जो पेपर जब आया तो कैसे शुरू हुआ रहेगा ये, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? लोगों ने पढ़ा सो रहेगा वो देन ही, पेपर. हाँ सो देन ही स्टार्टेड माइनिंग। बेसिकली उसने ये पहला जो ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन ने बनाया, उसमें अपने आप को 50 बिटकॉइन दिया आई थिंक। फिर उसने वो नेटवर्क पे दूसरा आदमी आया, उसको दिया 2 बिटकॉइन, उसने अपना 50 जनरेट किया, एंड दस देन मोर पीपल केम इन टू द नेटवर्क एंड दे स्टार्टेड जनरेटिंग बिटकॉइन। देन देर एटलीस्ट 10 पीपल, 20 पीपल। तो वो लोग बोले कि कैसा है कि मैं पिज्ज़ा बनाता हूँ, तो मेरे को 20 बिटकॉइन दे दे, मैं तेरे को पिज्ज़ा दे दूंगा। तो लोगों ने दे दिया, 20 बिटकॉइन दे के पिज्जा खाया पर ये पब्लिक। नेटवर्क क्या रहता है, व्हाट इज दिस नेटवर्क दैट यू आर टॉकिंग? दैट इज द मेन थिंग आई थिंक ना, नेटवर्क में ही सब चलता है. सो ये बिटकॉइन का नेटवर्क है, एक अपना चेस सो कॉइन का नेटवर्क भी इज जस्ट अलग लाइक नेटवर्क हो टॉरेंट, जाएगा. सो नेटवर्क इज जस्ट लाइक टॉरेंट, राइट? टॉरेंट इज अ नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क। सिमिलरली बिटकॉइन का अपना नेटवर्क है जिसमें आप अगर अकाउंट बना दोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे, अच्छा, तो ये उन्होंने ठीक है? बनाया तो रहेगा सतोशी ने ये स्टार्ट. नो नो, द नेटवर्क, सो उस हिज कंप्यूटर मस्ट बी द फर्स्ट कंप्यूटर इन द नेटवर्क, बट नेटवर्क तो बहुत सारे कंप्यूटर्स का होता है ना। तो बाद में लोगों ने ज्वाइन किया नेटवर्क, कुछ लोगों ने छोड़ा, कुछ लोग ज्वाइन किए, नेटवर्क चलते रहता, टॉरेंट चलते रहता, वैसे ही चलते रहता। ओके. अब मैं एक चीज बताता हूँ टू मेक दिस, सो दिस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इज अ ब्यूटिफुल टेक्नोलॉजी बिकॉज इसमें ना कोई सेंट्रल सर्वर का जरूरत नहीं है, लोग अपने आप में हिसाब रख लेते हैं करेक्ट. यूजिंग दिस क्रिप्टोग्राफी का चीज, कि देर आर सम, मान लो देर आर सम मैजिक नंबर्स, उस टाइप का बोल दो, एंड पीपल हैव टू फाइंड दोज मैजिक नंबर्स एंड सील द ट्रांजेक्शन विद दैट मैजिक नंबर, एंड फ्रॉम दोज मैजिक नंबर्स यू कैन वेरीफाई द ट्रांजेक्शन इज ट्रू और नॉट। अब अगर इसमें किसी को फ्रॉड करना है, ओके, कि इवन इफ दे फाइंड द मैजिक नंबर, ओके, फ्रॉड कैसे रुकता है ये? तो हमारे पास ऐसे मान लो है, 213 है, 546 है, यहाँ पे सागर ने विदित को दिया, फिर 546 में विदित ने बिस्वा को दिया। अब यहाँ पे क्या है कि विदित वॉन्ट्स टू डू अ फ्रॉड एंड ही इज वेरी लकी राइट नाउ कि उसके पास अगला मैजिक नंबर आ गया है। तो उसने क्या किया ना, उसने ऐड कर दिया विदित, बिस्वा ने विदित को, मतलब एनीथिंग दैट सूट्स हिम, कि विदित ने बिस्वा को और 50 रुपया दे दिया, ऐसे ही ऐड कर दिया बिना दिए, ठीक है? और इस ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट कर दिया 756 लगा के, हो गया ऑथेंटिकेट। अब सबको भेज दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बाकी लोग जो है उनका इसमें ऐड नहीं हुआ है, ये जो पहले लिस्ट चल रहा था उनका उनका यहाँ तक हुआ है SV, और ये वाला ऐड नहीं हुआ है अभी तक।
ठीक है, सो देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट कि या तो ये विदित ने बिस्वा को दिया है यहाँ पे या नहीं दिया है, हमको नहीं पता, क्योंकि जो भी आदमी है उस नेटवर्क में उसके पास दो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि या तो विदित ने बिस्वा को ये दिया है, मतलब यहाँ पे कुछ अलग ट्रांजेक्शन हुआ है मान लो, वो लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, इसके बाद वैभव ने, अरे यार वैभव भी वी से स्टार्ट होता है क्या है, समय ने सागर को दिया इसके बाद, वो लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हो? अब प्रॉब्लम क्या है कि एक जन फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है और 900 जन फ्रॉड को रोकने की कोशिश कर रहा है, सो 900 पीपल हैव मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द सब्सिक्वेंट मैजिक नंबर देन दिस वन पर्सन। ये विदित अगर फ्रॉड करते रहना चाहेगा अपने ये जो लेजर बनाया उसने उसके साथ, ही हैज टू फाइंड द नेक्स्ट मैजिक नंबर ऑल्सो, राइट? तो उसको मान लो नेक्स्ट वाला ही मिल गया कुछ भी, उसका अगला वाला विदित को मिला गया, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये 900 जन जो है ना, इनका लेजर ज्यादा जल्दी बनेगा और ज्यादा एक्यूरेट बनेगा देन विदित का फ्रॉड लेजर, जो कि दो तीन ब्लॉक के बाद रुक जाएगा। सो जो सबसे लंबा ब्लॉक आता है वो सबसे सही आता है, क्योंकि दैट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट बेसिकली दिस, मतलब अब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ही ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट द बेसिक आइडिया इज दैट एक जन अगर फ्रॉड करना चाह रहा है तो उसको रोकने के लिए तो उसने जो वो एक किया वो फ्रॉड कैसे, वो तो हो गया ना, लेकिन वो उसको नहीं रिवर्स नहीं कर सकते, वो नहीं हुआ क्योंकि उसके दो, मान लो एक और बात ट्राई करता हूँ, ये थोड़ा समझाने मुश्किल हो रहा है, मेरे को पता था इसलिए मैंने लास्ट में रखा था कि ये थोड़ा मुश्किल है समझाने में। विदित ने बिस्वा को दिया, अब नेक्स्ट वाले में यहाँ पे विदित फ्रॉड कर रहा है, ओके, विदित ने सागर को दिया जो खाली उसी के कंप्यूटर में, ओके, उसने दिया नहीं आपको, सो हमारे पास सबके पास यहीं तक है, विदित ने बिस्वा को दिया, ओके, तो वो क्या करता है इसमें ना, ये हम सबको बिना बताए ऐड कर देता है यहाँ पे और नेटवर्क में भेज देता है कि मैंने कर दिया। अब हम लोग पर ये मैं नहीं समझा सकता, सॉरी फ्रेंड्स, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा मैं क्या कर रहा हूँ, तो दिस इज, आई एम सॉरी, आई विल ट्राई एंड clarify this next time, because मेरे दिमाग में हो नहीं रहा है, बट बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज कि एक जन अगर फ्रॉड करना चाहेगा तो ही विल नीड सो मच कंप्यूटिंग पावर दैट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बाकी जो 999 लोग बैठे हैं ना, दे हैव टू मच कंप्यूटिंग पावर, सो दिस पर्सन कैन नॉट गेट सो लकी दैट वो पांच मैजिक नंबर्स निकाल के ले आया ये 999 लोगों से पहले। That is why it's more difficult to do the fraud. That's the basic idea. But मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे, इसको मैं पढ़ के समझाऊंगा दोबारा, एक और तरीका निकालना पड़ेगा समझाने का। चैट में क्या बोल रहे पब्लिक? टीचर कन्फ्यूज, येस ब्रदर, समटाइम्स आई गेट कन्फ्यूज, टीचर कन्फ्यूज होना तो बहुत नॉर्मल ही है, मतलब बेसिकली बहुत कम टीचर बोलते हैं कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, बाकी सब सिर्फ कन्फ्यूज रहते हैं पर बोलते हैं बोलते नहीं, राइट? सो दैट इज, नो इट इज वेरी, इट्स लाइक समझाने में मेरे को मजा आ रहा है बट इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन द कंप्लीटली न्यू, कंप्लीटली न्यू, मतलब देयर इज नथिंग यू कैन रिलेट टू ऐसा टाइप, है ना, दैट्स द प्रॉब्लम, इट्स अ न्यू थिंग कंप्लीटली। सो सपोज आज अगर समझो किसी ने बहुत सारे बिटकॉइन खरीद लिए, 21 मिलियन अभी आपने बोला 18 मिलियन है, उसमें से समझो समवन होल्ड्स लाइक अ बिग ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स अ ह्यूज नंबर ऑफ बिटकॉइंस टू देमसेल्व्स, देन दे विल स्टार्ट काइंड ऑफ कंट्रोलिंग द डिमांड और सप्लाई ऑफ इट, राइट? दे विल से कि हम कब देंगे, कब बेचेंगे, कब हमारे पास, तो दैट कैन क्रिएट एन इश्यू, राइट? हो सकता है। एंड इट्स नेचुरल बिस्वा कि यू कुडंट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट विदित इज अ फ्रॉड, सो इट्स मेक्स सेंस। एक सेकंड, ये मैंने वाइट पैड अभी बंद कर दिया, लेट मी जस्ट चेक, इज देयर, वाज देयर एनीथिंग एल्स आई नीडेड टू एक्सप्लेन। 3:10 बज चुके हैं, वन सेकेंड। नहीं बट ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब आई गॉट द बेसिक, हाँ हाँ।
पार्ट टू विथ ऑल द क्वेश्चंस हम लोग जो पूछ के सब पूरा चैट वगैरह कमेंट्स में आपको जो भी नहीं समझा है वो लिखो देन वी कैन डू पार्ट टू एंड वहां पे आई विल एक्चुअली आया था कि 2140 तक खत्म होगा 2040 तक नहीं पॉसिबल आई थिंक 2040 तक हो जाएगा मेरे हिसाब से जितना मेरा रिसर्च कह रहा है बट 2140 पॉसिबल है बट ओके सो द बेसिक थिंग इज सॉरी गाइस आई विल हैव टू पिन दिस वन मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो एटलीस्ट समझा आज आई गॉट या सो आई विल बेसिक्स या आई थिंक सो दैट इज द आइडिया एंड आई विल एक्सप्लेन इट अ लिटिल बेटर बिकॉज द ब्लॉकचेन इज द सेंट्रल आइडिया दैट आई कुड अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही ज्यादा जीनियस चीज है कि विदाउट हैविंग ए सेंट्रल अथॉरिटी आप सारा काम कर पा रहे हो क्योंकि फ्रॉड का स्कोप इतना कम हो रहा है एंड जस्ट बेस्ड ऑन प्योर मैथ्स कि हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिस नंबर से वो सील हो रहा है तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन डू सो इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर मनी सो इट कैन बी अ रिप्लेसमेंट फॉर मनी इट कैन बी अ रिप्लेसमेंट फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दिस टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक इंटरनेट डज नॉट मीन फेसबुक ना मतलब इंटरनेट मीन्स उसके ऊपर कितना सारा चीज बिल्ड हो सकता है सिमिलरली ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बहुत सारा चीज बिल्ड हो सकता है सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कुछ इन्फो है अब ये इन्फो यहाँ पे कुछ इन्फो है यहाँ पे कुछ इन्फो है इन्फो का चेन बना हुआ है ये इससे रिलेटेड है ये इससे रिलेटेड है ये आगे रिलेटेड है सो मान लो वी वुड थिंक अबाउट दिस लाइक तुम जो कॉफी पी रहे हो अभी तुमको कोई कंपनी बोल रहा है कि ये कॉफी हम नासिक में उगा के नासिक में ही लाए नाउ यू कांट ट्रेस इट बैक कि वो नासिक से उगा के लाया कि नहीं है राइट बट इफ वी हैव अ वे जिधर सब कुछ ऑथेंटिकेट हुआ है थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देन वी कैन ट्रेस इट बैक नॉट द एग्जैक्ट कॉफी बट कोई भी इंफॉर्मेशन या वी सो जैसे कॉफी को ट्रेस बैक करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज वो फिजिकली कोई भी इधर फ्रॉड कर सकता है ना पहला एंट्री में कि वो बोल देगा हम नासिक में उगाया जो भी है बट ब्लॉकचेन में क्या है कि दिस होल चेन ऑफ ब्लॉक्स इज सिक्योर्ड राइट इसके साथ कोई खोरापाती नहीं कर सकता है एक बार अगर इन्फो आ गया तो आ गया अब तुम उसका कुछ नहीं कर सकते अब उसको तोड़ने के लिए तुमको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको तोड़ के इसके अंदर कुछ घुसाना चाहोगे ना तो बाकी सबका कंप्यूटर बोलेगा ये फ्रॉड है 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 समझे सो दिस होल ब्लॉक जो इंफॉर्मेशन का एक ब्लॉक है तुम ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ हाउ इट्स सील्ड बेसिकली ओके और एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है ये सब में ये ब्लॉक है जो भी ऐसा ब्लॉक है वो सब में और सब अग्री कर रहे हैं इस पे देन इट्स वैलिड अगर सब बोल रहे भाई सही है ऐसा हैंडशेक चल रहा है सबका ओके सब बोला हाँ भाई करेक्ट है ये सब थम्स अप दिखा रहे तो ये चल रहा है अब इसको फ्रॉड करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फ्रॉड होते ही बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि वो फ्रॉड है वो फ्रॉड है वो फ्रॉड है ठीक है तो तुम इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ भी बिल्ड कर सकते हो तुम अपना सोशल नेटवर्क बिल्ड कर लो जिसमें सारा डेटा इस तरह से स्टोर्ड है राइट कोई सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं है तुम अपना उबर बिल्ड कर लो ठीक है कि तुमको जो अगर कैब बुलाना है तो सारा डेटा इस तरह बहुत सारा कंप्यूटर में स्टोर्ड है ठीक है कोई सेंट्रल उबर अथॉरिटी नहीं है तुमको बुलाना है तो तुम ये कंप्यूटर बोलेगा भाई मेरे को उबर चाहिए तो सारा कंप्यूटर से पूछेगा सारा कंप्यूटर बोलेगा अच्छा ये उबर का लोकेशन यहाँ पे है अच्छा ठीक है मैं बुक कर लेता हूँ ठीक है इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं है कोई उबर कंपनी की जरूरत ही नहीं है दैट इज द आइडिया एनी वे ऑफकोर्स लोगों का जरूरत पड़ सकता है जो भी सकता है एंड बेस्ड ऑन दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेयर यू डोंट नीड एनी सेंट्रल अथॉरिटी दे हैव बिल्ट नाउ इथीरियम विच इज अनदर क्रिप्टोकरेंसी ओके जिसपे तुम जो भी ऐप चाहे बना सकते हो यूजिंग दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या करता है कि
अदरवाइज डेटा का फ्लो इस तरह रहता है, एक सेंट्रल सर्वर रहता है, सब लोग उससे डेटा लेता है। यहाँ पे समय, विदित, बिस्वा, सागर, सब लोग यहाँ से डेटा ले रहे हैं। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से क्या होता है, ये हट जाता है। एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे सब लोग डेटा लेते हैं, और वो खाली हमारे कंप्यूटर्स में स्टोर है, इसमें 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 Yeah, इसमें। we all have that information instead of that central या person having it. करेक्ट करेक्ट। So तो if सेंट्रल anybody पर्सन, does wrong, we three will know. For example, कि कुछ तो झोल है या कुछ तो instead of झोल the है, एंड विल central डिस institution knowing. करेक्ट। So सो वी कैन जो ऑलवेज ट्रस्ट इच अदर्स डेटा, करेक्ट। so विजय माल्या का जो हुआ, it won't happen. The central institution, the bank. If it does a fraud, we all get alerted that something is wrong, करेक्ट। या सो समथिंग लाइक, सो दैट इज अगेन कम्स बैक टू ह्यूमन डिसीजंस एंड स्टफ। बट फ्रॉड इन द सेंस ऑफ, तुम्हारा बैंक ऑब्वियसली कोई बैंक ये करता नहीं है, बट अगर बैंक के अकाउंट में कोई मिस्टेक हो गया, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू नो। Yeah, we cannot know. Yeah, because they have all the data. We don't have any data, no. We can't या know. बट इन ब्लॉक चेन इट्स We वेरी all have. हार्ड टू, या इट इज वेरी हार्ड टू डू अकाउंटिंग मिस्टेक्स और लाइक एनी सॉर्ट ऑफ। सो दिस ब्लॉक चेन इज अ वे ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग डेटा। तो द कंपनीज विल बी, जैसा फेसबुक के पास सब कुछ डेटा है, उसका जरूरत नहीं है। हम चारों के पास अगर कंप्यूटर है ना, मान लो हम लोग अभी चेस बेस इंडिया पे खेलते हैं, उसका जरूरत नहीं है, हम चारों अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लें। बट द क्वेश्चन इज, इसमें ये लोग देखो, ना डिस ये इस पे बोल नहीं दे नहीं सांस इस पे भाई, नहीं, ये मैं अलग बस मैं नहीं कब का सोच रहा हूँ कि हाउ विल थिंग्स वर्क बेसिकली, हाउ विल पीपल बी एबल टू सर्वाइव लाइक राइट नाउ लेट्स से ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, बिकॉज डेटा इज सो इम्पोर्टेंट, दे मेक मनी आउट ऑफ इट. सो लेटर ऑन व्हेन दीज ऑल इज दिस इज ओपन लाइक डेटा इज देयर, देन व्हाट विल हैपन. I don't know. Nobody knows. I guess people are betting on that only, that this will happen, that will happen. I honestly, I told you like I have no idea about that. I think that's just speculative work at this point. I just found this idea. I just find it very genius that a guy took this simple idea that कुछ चीज़ को encrypt कर दो तो decrypt करना बहुत मुश्किल होता है, and then build a whole system where you can remove a bank from the system. लाइक एट द कोर ऑफ इट इज सच ए सिंपल आइडिया। लाइक ऑब्वियसली, एंड गाइज दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ माई स्ट्रीम्स, इज आई एम टॉकिंग टू द ऑडियंस फॉर अ वाइल, दैट आई एम नॉट वेरी एक्यूरेट इन माई डिस्क्रिप्शंस, बिकॉज आई थिंक इफ यू नीड टू बी एक्यूरेट देन यू कैन ऑलवेज रीड अप एंड फाइंड आउट मोर। माई ओनली जॉब इज टू क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड गिव सम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज नॉट वेरी एप्लीकेबल, बट इट्स मोर फैसिनेटिंग। So I'm not very accurate in my description, and I'm very happy if you guys correct me in the comments, because then I'll also learn. But that's the basic idea of it. I find it very fascinating that cryptography से इतना सही चीज, एक जीनियस टाइप का चीज उसने बनाया है, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। या And do you योर think फ्रेंड्स like prediction like do you think it's like अभी क्या होगा इसके मतलब आगे, what will this do, this technology? I think some things will, some good things will be built. It's great. This technology is great, but it has its flaws also, because then anyone can do anything anonymously. You can anybody can make this coin and anybody can like have their own देखो ब्लॉकचेन currency. टेक्नोलॉजी, देखो तुम फेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, और तुम ट्रोल भी कर सकते हो पब्लिक को, या फिर तुम अच्छा चीज़ भी लिख सकते हो। सिमिलरली यू कैन गो ऑन दिस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, यू कैन बिल्ड गुड थिंग्स, यू कैन बिल्ड बैड थिंग्स। इट्स But जस्ट अ for न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। no, but like not every place will accept Bitcoin. Or for example, या you will say I'll pay you in Bitcoin, but I'll like नहीं मुझे नहीं मुझे हाँ, तो उसका पैसा जैसे चाहिए। जैसे लोग या एक्सेप्टेंस बढ़ेगा वैसे उसका वैल्यू आई थिंक विल इंक्रीज. और फिर सो दैट ट्वेंटी इज अ बिलियन हो प्रॉब्लम। गया उसके बाद पैसे ही खत्म. सो दैट इज अ कंप्लीटली सेपरेट, लाइक दैट इज बिटकॉइन एंड सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स इज अ कम्प्लीटली सेपरेट डिस्कशन, राइट. कि उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो बनेगा नहीं बनेगा, दैट इज अ स्पेकुलेशन। दैट इज वेयर द मनी गोज अप एंड गोज डाउन, कि नाउ टेस्ला इज अलाउिंग यू टू बाई कार्स विद बिटकॉइन, द प्राइस गोज अप।
ना कल को कोई बोलेगा कि नहीं नहीं एक्सेप्ट करेंगे इंडिया में तो प्राइस गोज डाउन, राइट? सो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी इज दिस. एंड ऑफकोर्स मे बी बिटकॉइन विल नॉट वर्क, मे बी सम अदर कॉइन विल कम, मे बी दे विल इम्प्रूव अपॉन इट, मे बी समथिंग एल्स विल वर्क, बट समथिंग लाइक ये इतना अच्छा आइडिया है एट अ वेरी बेसिक लेवल. इट्स अ फुल प्रूफ मेथड. सो दैट इज वॉट इट्स वेरी फैसिनेटिंग अबाउट इट. आई थिंक अबाउट इट एंड ऑल्सो उसके उससे ये टेक्नोलॉजी से और क्या क्या हो सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. नॉट जस्ट द बिटकॉइन, इट्स वेरी डिसरप्टिव दो, यू नो, कि इट कैन चेंज ऑल द मेथड्स यू हैड पहले. बट इजंट लाइक लेट्स से द प्ले स्टोर something similar like Ethereum, like everyone can make their apps and put it on the Play Store, Android, like, but it is then controlled by Google. So the Ethereum will be controlled by no one. Yeah, that's what the thing is. Something like that. Mm-hmm. Something like that. So Ethereum is a platform where you can build stuff, but it has no central server. It is वो हम सबके सर्वर, हम सबके कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट लेके चलेगा वो. So I'll give you another very interesting idea that I had heard about this. This is all called P2P networks, obviously. Peer-to-peer networks. दो टाइप का नेटवर्क रहता है. ऐसा मान ले सेंट्रल नेटवर्क कैसे रहता है, हम सब लोग वोडाफोन का टावर के थ्रू कॉल कर रहे हैं. सो ऑल ऑफ आर सिग्नल्स आर गोइंग टू वोडाफोन टावर, देन कमिंग फ्रॉम वोडाफोन टावर. ओके, या फिर जो भी जियो टावर या एयरटेल टावर. बट इफ़ यू कुड डू इन सच अ वे दैट वेन आई कॉल विद इट, my phone finds the nearest phone and that phone finds the nearest phone and that phone finds the nearest phone and thus all the phones, like it's a 1000 phone ka chain ban jata hai, and I can talk to with it directly without having to go through Vodafone. So then that becomes a P2P network. A peer-to-peer network ki humko koi central authority ki zarurat hi nahi hai. मतलब बेसिकली ऐसा हो सकता है क्या, एक पॉइंट के बाद पैसे का जरूरत ही नहीं, सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर करके सब कुछ चल रहा है, फोन भी चल रहा है, उबर भी चल रहा है, टैक्स, तो लोग सब कुछ फ्री में चल रहा है. सागर भाई, दुनिया वैसे ही चल रहा है. क्यों? जो पैसा है दैट इज जस्ट गारंटी कि, मतलब अगर आप देखोगे तो आप बस एक रिसिप्ट ही दे रहे हो ना, एक लेजर ही दे रहे हो ना कि भाई 10 रुपया ले लो. दुनिया तो भरोसे पे ही चल रहा है ना. वो है ये भरोसा कि ये नोट फेक नहीं है, पर एटलीस्ट वो नोट है, नोट है. इधर वो भी नहीं रहेगा, लाइक तुम जाओगे रेस्टोरेंट में वो खाना देंगे तुमको, डिजिटल रहेगा ना, डिजिटल रहेगा ना. हाँ, तो सागर भाई, आप जो पेटीएम पेटीएम पे करते हो या फिर यूपीआई में पे करते हो तो थोड़ी कुछ होता है, उसको बस एक मैसेज आता है. ट्रांजैक्शन पे डिजिटल होगा, यू विल नॉट फिजिकली हैव दैट, इट्स जस्ट डिजिटल. नहीं, मतलब वो तो अभी ये बिटकॉइन का बात चल रहा है, ट्रांजैक्शन. सो बिटकॉइन इज सिमिलर, नो? आई एम सेइंग दैट यही सब, मतलब इट विल बी जस्ट एवरीवन इज कनेक्टेड टू एवरीवन, बट बेसिकली हाँ, लाइक नो, इन टर्म्स ऑफ लाइक ही सेड कि वोडाफोन का जरूरत ही नहीं है, फोन इज कनेक्टेड टू फोन, इज तो तुम फोन फ्री में कर रहे हो लोगों को, लाइक यू आर कॉलिंग, देयर इज नथिंग, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग एनीवन. नो, बट देन व्हाई वुड एनीबॉडी give their phone to this peer-to-peer network? In return you have to give them something, because tumhara phone ka na ek portion hamesha use hota rahega. Tumne call kiya, kaat diya, abhi koi dusra aadmi phone kare tumhare phone ke through ja raha hai. So you'll be like, I'll join your network, give me 1 paisa for every call that goes through my phone, then you take that balance, the fundamental, and then from that balance change, you can call. Ki for yeah, anything is like, you know, you give value of any sort, that's the earning you will get to spend, any value provided. Yeah, mere ko sirf yahi ek cheez abhi tak ye hai ki until now what has happened is that there has been always one central regulatory thing. Even let's say for example talk about cloud engines which is there on Chessbase. So basically there are people giving out their engines to use to every user that he wants to use, but at the end it is hosted, like Chessbase is a central kind of an authority where it is being showed. So you are saying ye beech wale cheez ko nikali do, you know, people will coordinate with each other, and jaise right now you're like, are tu mera engine use kar le, tu mera ye kar le, so like people will only build up the network, which is based kind on of, the system of, yeah,
based on trust on cryptography. The trust is on cryptography. Or blockchain. Yeah, so blockchain is built on cryptography, right? कि ये सिक्योर रहेगा, जो भी ये सिस्टम है वो सिक्योर रहेगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा इसके अंदर. सो आई विल, आई थिंक आई विल एंड इट राइट नाउ, बिकॉज हम लोग 1.5 घंटा बकर कर चुके हैं अभी यहाँ पे टाइम पास. आई नो दिस वॉजंट एज क्लियर एज द प्रीवियस एपिसोड्स, बट आई विल डू अनदर एपिसोड ऑन दिस. आई थिंक आई विल इन्वाइट अ बिटकॉइन एक्सपर्ट. And I'll invite you guys also. If you have further questions, you can ask them. But I enjoyed Biswa. For me, it was something which I would have never learned on my own. But here, at least, it has made me ask a lot of questions and like made me think about it. So thanks for this. You know, Vidit, yo, that's the whole point. Vidit will go and buy a book on blockchain and Bitcoin and read yes. it up. Yes. Pura abhi wo aisa ye kar lega, sab kuch jaan lega. Yeah, and also I would like to just plug in, there is a channel called 3 Blue 1 Brown, from where I got the clearest explanation of Bitcoin. I'll put that video in the description also. So shout out to 3 Blue 1 Brown, you are doing an amazing job, and thank you. Thanks to your video I could understand, and I would put it in the description and in the comments, so ऑडियंस कैन गो एंड चेक इट आउट, चेक आउट दैट वीडियो. उसमें उसने इससे भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. सो थैंक्स टू दैट. ऑल राइट गाइस, आई होप क्यूरियोसिटी हैज बीन रेज्ड एंड सम की कॉन्सेप्ट्स हैव बीन अंडरस्टूड. यस, थैंक यू.